फरीदकोट के पिंड हरीनों को बच्चों भरी एक टाटा एस संतुलन विघटन करके पलट गया, जिस दौरान 15 बच्चों सट्टा लगिया हैं, जिन्होंने कोटकपुरा के सिविल हस्पताल दाखिल करवाया गया। जानकारी मुताबिक सरकारी स्कूल पिंड कुहारवाला तो 10वीं क्लास के करीब 30 बच्चे 10वीं क्लास के इम्तिहान देने पिंड रोड़ी कपूरा विखे जा रहे सन कि रस्ते च टैंपू का संतुलन विघटन कारण पलट गया, जिस कारण बच्चों सट्टा लगिया, जिन्होंने रागिना की मदद न कोटकपुरा के सिविल हस्पताल भेजा गया। इस मौके किसान आगू अंग्रेज सिंह ने कहा कि सरकार की लापरवाही है कि बच्चों को पेपर देने अपने पिंड तो दूर किसी पिंड च पेपर देने जाना पैंदा है। उन्होंने कहा कि सारे बच्चे गरीब मजदूर परिवारों के हैं जो अपने खर्चे से दूर दुराडे इम्तिहान देने जाते हैं। मेरा नाम जी अंग्रेज सिंह है, मैं भारतीय किसान यूनियन बीके जी डगौंदा का प्रचार सकत्र ब्लाक कोटकपुरे का। जिस टाइम एक्सीडेंट होया उ तीन चार मिनटों बाद मैं मौके पर पहुँच गया, बच्चों के गंभीर सट्टा लगिया से। एक हाथी के तकरीबन 40 बच्चे एक प्रिंसीपल की जिम्मेवारी जा रहे बच्चे। तुसी देखो बच्चे कुहार वाले तो पेपर देन जा रहे रोड़ी कपूरे तकरीबन कोई 20 किलोमीटर। सरकार सानू यह सी नवी सरकार तो आसा कोई बदलाव लेके आऊगी, भी बदलाव की पेपर तुसी देखो जिहड़ा 70,000 रुपया तनखाह ले लै टीचर वह उस स्कूल च पेपर रह रहा। अगे टीचर की बदली की जाती सी, टीचर होर स्कूलों ड्यूटियां लाइया जाएंगे, जो 70,000 रुपया ले रहा वो तो उत्थे ड्यूटी कर रहा। जेडे गरीब परिवारों के बच्चे आ, एक दिहाड़ीदार का बच्चा वो 20 किलोमीटर पेपर डेली पेपर देन जा रहा, और जेडे गरीबों रोटी खानी औखी पे इन्नी महंगाई उन्होंने बच्चों के अज जे बच्चे आज गंभीर सट्टा ना जूझ रहे, जो उन्होंने पेपर आज रद्द हो गया। मापे जोड़े बेचारे असं मौके पर पहुंचे, मापिया के हाल नहीं देखे जा रहे थे, हिरदे बलूंद रहे गए। मावं आपके बच्चों छाती ना घुट घुट के ला रही सी कि साढ़े बच्चों का की हालात आ, साडिया अखा आप भर गई कि 40-50 बच्चे परिवार आ जोड़े अज तबाह हो जाने से। एक सरकार की किड्डी वड्डी नलायकी आ, तुसी एक स्कूल के टीचर जिहड़े 80-80,000 रुपये ले रहे उन्होंने तुसी पेपरां च ड्यूटियां लाओ यार। उन्होंने कोले कारां भी हैगा, गरीबों कोई साधन का प्रबंध नहीं हैगा, गरीबों कोले रोटी खाने का रुजगार नहीं हैगा। उन्होंने बच्चे 20-20 किलोमीटर पेपर देने जा रहे। मान साहब तुहाडे तो उम्मीद आ, सानू पूरे पंजाब के निवासियों लोगों उम्मीद आ कि तुसी आ गरीबों के निक्के निक्के जिहड़े मसले आ ये पेपर तुसी टीचरां दीआं ड्यूटियां जिवें पहलां चलदा सी उदों 10-15 साल पहलां उवें तुसी शुरू करो। पेपर उन्हां स्कूलों च होण जिन्हां स्कूलों बच्चे 10वीं जां 12वीं जां 8वीं कर रहे हैं, उन्होंने 20-20 किलोमीटर ना भेजो। गरीबों को रोटी खाने को पैसे है नहीं गए, एड्डी वड्डी महंगाई च बच्चे किवें पार रहे लोग, असी मजदूर परिवार ही जान सकते हैं। कोई साड़ी समस्या नू सरकार ने गंभीरता जां सगिरदी नाल जां संजीदगी गल नाल नहीं नहीं लिया गा। अज ये पलापारां दे हालात वेख के मन बहुत बलूंद रहा, फिर एड्डी वड्डी होर त्रास गई सी, लोग कारां लैके कोल दी लंघी जा रहे सी, किसी च इंसानियत की भावना ही नहीं रही सी। पर एक असी धन्नवाद करदे हां कार वाले वीर दा, उहदा परिवार नाल सी, बच्चों पा के बाहर कढ़ के ठल के इन्हों बच्चों चक चक के असी कारां दे विच पा के सिविल हस्पताल पहुंचे। इतने फास्ट एड देने तो बाद बच्चे चलो परमात्मा का शुक्र गुजार करते हैं, उन्होंने लोगों का शुक्र गुजार करते हैं जिन्होंने वीर ने साडा उत्ते साढ़े अर्गे भरावां नाल रल के इन्होंने बच्चों इतों तक पहुँचाया। पर मापिया के हालात उत्थे वेख के मन बहुत बलूंद रहा, आस करते हैं सरकार तो ते साडे मजदूरों परिवारों की खास तौर पर सार लो यार। एक गरीब परिवार रोटी तो औखे हो पे, रोटी का गुजारा नहीं चला सकते, इन्होंने बच्चे 20-20 किलोमीटर पेपर देन जा रहे हैं। उन्होंने मावां के हालात वेख के अज बहुत मन दुखी होया, बड़ा मन भरया गया भी परमात्मा। मेरा नाम कुलवंत है जी, पिंड कुहार वाला जी। ये बच्चे पढ़न चले पेपर देन चले जी 10वीं क्लास के, कादे ते सी ये हाथी है, छोटा हाथी है। ब्यूरो रिपोर्ट, निरपक पोस्ट। फरीदकोट के पिंड हरीनों को बच्चों भरी एक टाटा एस संतुलन विघटन करके पलट गया, जिस दौरान 15 बच्चों सट्टा लगिया हैं, जिन्हों कोटकपुरा के सिविल हस्पताल दाखिल करवाया गया। जानकारी मुताबिक सरकारी स्कूल पिंड कुहारवाला तो 10वीं क्लास के करीब 30 बच्चे 10वीं क्लास के इम्तिहान देने पिंड रोड़ी कपूरा विखे जा रहे सन कि रस्ते च टैंपू का संतुलन विघटन कारण पलट गया, जिस कारण बच्चों सट्टा लगिया, जिन्होंने रागिना की मदद न कोटकपुरा के
सिविल हस्पताल च भेजा गया। इस मौके किसान आगू अंग्रेज सिंह ने कहा कि सरकार की लापरवाही है कि बच्चों नूं पेपर देने लई अपने पिंड तो दूर किसी पिंड च पेपर देने लई जाना पैंदा है। उन्होंने कहा कि सारे बच्चे गरीब मजदूर परिवारों के हैं जो अपने खर्चे से दूर दुराडे इम्तिहान देने जाते हैं। मेरा नाम जी अंग्रेज सिंह आ, मैं भारतीय किसान यूनियन बीके जी डकौंदा का प्रचार सकत्र हाँ ब्लाक कोटकपुरे का। जिस टाइम एक्सीडेंट होया उदू तिना चार मिनटा बाद मैं मौके पर पहुँच गया। बच्चों के गंभीर सट्टा लगियां सी। एक हाथी दे विच तकरीबन 40 बच्चे एक प्रिंसीपल की जिम्मेवारी जा रहे बच्चे। तुसीं देखो बच्चे कुहार वाले तो पेपर देन जा रहे रोड़ी कपूरे तकरीबन कोई 20 किलोमीटर। सरकार सानू ये सी नवीं सरकार तो आसा कोई बदलाव लेके आऊगी भी बदलाव की पेपर। तुसीं देखो जिहड़ा 70,000 रुपया तनखाह लै लिया टीचर वो उस स्कूल च पेपर रह रहा। अगे टीचरों की बदली की जाती सी टीचरों नूं होर स्कूलों च ड्यूटियां लाइया जांदियां सी। जिहड़ा 70,000 रुपया लै रहा वो तो उत्थे ड्यूटी कर रहा। जिहड़े गरीब परिवारों के बच्चे आ एक दिहाड़ीदार का बच्चा वो 20 किलोमीटर पेपर डेली पेपर देन जा रहा और जिहड़े गरीबों नूं रोटी खानी औखी पई इन्नी महंगाई च उन्हां बच्चों के अज जिहड़े बच्चे आ अज गंभीर सट्टां नाल जूझ रहे। जिहड़ा उन्हां दा पेपर आ वो अज रद्द हो गया। मापे जिहड़े विचारे सी मौके ते पहुंचे मापिआं दे हाल नहीं देखे जा रहे सी। हिरदे बलूंद रहे गए। मावां आपदे बच्चों नूं छाती नाल घुट घुट के ला रहीआं सी कि साडे बच्चों का की हालात आ। साडीआं अक्खां आपदीआं भर गईआं कि 40-50 बच्चे परिवार आ जिहड़े अज तबाह हो जाणे सीगे। एक सरकार की किड्डी वड्डी नलायकी आ। तुसीं एक स्कूल के टीचर जिहड़े 80-80,000 रुपये लै रहे उन्हां दीआं तुसीं पेपरां च ड्यूटियां लाओ यार। उन्हां कोल कारां भी हैगा। गरीबों कोई साधन का प्रबंध नहीं हैगा। गरीबों को रोटी खाने का रुजगार नहीं हैगा। उन्हां दे बच्चे 20-20 किलोमीटर पेपर देन जा रहे। मान साहब तुहाडे तो उम्मीद आ सानू पूरे पंजाब के निवासियों लोगों उम्मीद आ कि तुसीं आ गरीबों के निक्के निक्के जिहड़े मसले आ ये पेपर तुसीं टीचरां दीआं ड्यूटियां जिवें पहलां चलदा सी उदू 10-15 साल पहलां उवें तुसीं शुरू करो। पेपर उन्हां स्कूलों च होण जिन्हां स्कूलों बच्चे 10वीं जां 12वीं जां 8वीं कर रहे हैं उन्होंने 20-20 किलोमीटर ना भेजो। गरीबों को रोटी खाने को पैसे है गए। एड्डी वड्डी महंगाई च बच्चे किवें पार रहे लोग। असी मजदूर परिवार ही जान सकते कोई साडी समस्या नूं सरकार ने गंभीरता जां सगिरदी नाल जां संजीदगी गल नाल नहीं लिया गा। अज ये पलापारां दे हालात वेख के मन बहुत बलूंदरिया। फिर एड्डी वड्डी होर त्रास गई सी। लोग कारां लैके कोल दी लंघी जा रहे सी। किसी च इंसानियत की भावना ही नहीं रही सी। पर एक असी धन्नवाद करदे हां कार वाले वीर दा उहदा परिवार नाल सी बच्चों पा के बाहर कट के उत्ते ठल के इन्हों बच्चों चक चक के असी कारां दे विच पा के सिविल हस्पताल पहुंचे। तो फास्ट एड देने तो बाद बच्चे चलो परमात्मा का शुक्र गुजार करते हैं। उन्होंने लोगों का शुक्र गुजार करते हैं जिन्होंने वीर ने साडा उत्ते साडे अर्गे भरावां नाल रल के इन्होंने बच्चों इतों तक पहुँचाया। पर मापिया के हालात उत्ते वेख के मन बहुत बलूंद रहा। आस करते हैं सरकार तो ते साडे मजदूरों परिवारों की खास तौर पर सार लो यार। एक गरीब परिवार रोटी तो औखे हो पे रोटी का गुजारा नहीं चला सकते। इन्होंने बच्चे 20-20 किलोमीटर पेपर देन जा रहे हैं। उन्होंने मामा के हालात वेख के अच बहुत मन दुखी होया बड़ा मन भरया गया भी परमात्मा। मेरा नाम कुलवंत है जी पिंड कुवार वाला जी। ये बच्चे पढ़न चले पेपर देन चले जी 10वीं क्लास दे। हाथी है छोटा हाथी है। निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसीं वी देवो साडा साथ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।